में इन दोनों स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है। क्षेत्र में अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पर केवल कागजों में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का दरवाजा तो कभी खुला ही नहीं। अस्पताल में अभी तक बिजली की फिटिंग भी नहीं हो पाई है। पानी के लिए बोर हो गया है लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ, फिर भी गाँव वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं। कब ये अस्पताल खुलेगा और उनके गांव में स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर होगी, इसकी सभी ग्रामीणों को आस है। अस्पताल 5 वर्ष से बन चुके हैं और अभी चालू नहीं है, बंद स्थिति में है। जब से खुला तो, जब से बने तब तो यही था। हाँ, जब से बने तब से बंद ही है। डॉक्टरों को कहना है कि यहाँ पर एक डॉक्टर एक नर्स पदस्थ है, आते हैं? नहीं आते हैं, अभी नहीं आते। हाँ, हम लोग लोरमी जाकर इलाज पानी कराते हैं। 3-4 साल हो गए बने। तो अस्पताल खुले हैं? अस्पताल नहीं खुले है। क्या कारण नहीं खुले थे? कारण नहीं जान भैया, हमारे मितानी दीदी वन अपन रहे आवेदन लिख के दे रहे 2-3 बार और अब तक के पता नहीं कौन ध्यान नहीं दिवा थे। फिर नहीं वहाँ साहब मन से जब बात करें तो बताते कि डॉक्टर पदस्थ थे, एक नर्स पदस्थ थे, कि आते हुए डेली है? यहाँ डेली नहीं आ, लेकिन सुपली मतलब और अन्य कमरा लेके रहते नर्स। पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा था और उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन और पानी, बिजली और पानी की व्यवस्था उसमें हो नहीं पाई है, और जिसके कारण हमने कई बार संज्ञान में मतलब विभाग को पत्र भी लिखा है, और जिसमें उनका कहना है कि उसके लिए जो अतिरिक्त जो बजट आता है इंटरनल मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और पंप वगैरह के लिए, वो मतलब उनको मिल नहीं पाया है।